आम तौर पर अगर किसी देश के नेता दूसरे देश में जाते हैं तो वहां की जनता के प्रति सम्मान दिखाते हुए उनकी भाषा में अभिवादन करते हैं और एक दो या तीन शब्द बोलते हैं, जैसे भारत आने वाले विदेशी मेहमान अक्सर नमस्ते या आप कैसे हैं कहते हैं, और यही कहकर वो हमारे देश की संस्कृति को निभाते हुए देखते हैं। लेकिन कल्पना करिए कि आने वाले समय में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आएंगे तो क्या कहेंगे, वो हिंदी या पंजाबी में बात करने के साथ ही साथ आरती या गायत्री मंत्र भी सुना सकते हैं। पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया ने देखा कि वो पूरी श्रद्धा से गाय की पूजा करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, कलाई पर कलावा बांधते हैं, दिवाली पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की दहलीज पर दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, पूरे गर्व से खुद को हिंदू मानते हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उस देश की जनता को मौजूदा आर्थिक तंगी से निकालने का वचन देते हैं। ब्रिटिश हुकूमत से भारत आजादी की अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसके साथ ही इस बार दिवाली के मौके पर इस बात की खुशी भी देश मना रहा है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए। सुनक ने ऐसे समय पर ब्रिटेन का शासन संभाला जब उस देश में महंगाई आसमान छू रही है, आर्थिक वृद्धि की रफ्तार थम सी गई है, देश की मुद्रा कमजोर हो चुकी है और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। ऐसे समय में सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने। पहले बोरिस जॉनसन, फिर लिस्ट्रस और अब ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन में राजनीतिक हालात कुछ ठीक नहीं है और सुनक के सामने अपनी कुर्सी को बचाने के साथ साथ देश की जनता को भी संकट से निकालने की जिम्मेदारी है। 12 मई 1980 को साउथैम्पटन के सरकारी अस्पताल में जन्मे सुनक 42 वर्ष के हैं और 200 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। वो भारत की शीर्ष आईटी कंपनियों में शामिल इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी पत्नी अक्षता और उनके पास अपार धन है, विशाल घर, हवेली और हर तरह के ऐशो आराम के साथ अब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के भी मालिक हैं। महज 7 साल के राजनीतिक करियर में सांसद से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे ऋषि सुनक का जीवन किसी परिकथा से कम नहीं है। उन्होंने आने वाली परेशानियों को समय से पहले भांप लिया था और हवा के बदलते रुख के अनुसार फैसला करने की अपनी आदत को उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब वो प्रधानमंत्री पद की होड़ में लिस्ट्रस से हार गए। वो जानते थे कि ट्रस के फैसले ब्रिटेन की जनता की आर्थिक समस्याओं को बढ़ाएंगे ही और तब वित्त मंत्री के तौर पर उनका तजुर्बा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। कोविड के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन के समय सुनक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त विभाग के प्रभारी थे और उन्होंने रोजगार बचाने और उद्योग धंधों को आर्थिक मदद देकर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को थामे रखने वाले कई लोकलुभावन फैसले किए। ब्रिटेन की जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाना शुरू कर दिया उन्होंने उसी वक्त से। उनके इस कदम की खास तौर पर बहुत सराहना हुई जब वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने एक रेस्तरां में खाना सर्व किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खाना खाएं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक परिवार आगे बढ़ा और मेहनत करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा।